भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से जापान को हटाने में भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूती के एक महत्वपूर्ण पहलू में भारत जापान से आगे निकल गया है, और वो महत्वपूर्ण पहलू है आधिकारिक गोल्ड रिजर्व। भारत सरकार का ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व अब जापान से ज्यादा हो चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त अंत में भारत का आधिकारिक गोल्ड रिजर्व 849 टन दर्ज किया गया है, और ये दुनिया के किसी भी देश के पास आठवां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। भारत ने आठवें स्थान से जापान को हटाकर उसकी जगह ले ली है। जापान अब 846 टन गोल्ड रिजर्व के साथ 9th पोजीशन पर खिसक चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व के मामले में अभी अमेरिका टॉप पर बना हुआ है, जिसके पास 8000 टन से ज्यादा आधिकारिक गोल्ड रिजर्व है। अमेरिका के बाद नंबर है जर्मनी, इटली और फ्रांस का। लिस्ट में स्विट्जरलैंड, चीन और रूस भी भारत से ऊपर हैं अभी तक। इस साल भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए गोल्ड की खरीद तेजी से बढ़ाई है, और हर महीने रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्व के लिए सोना खरीदा है। जनवरी से लेकर अगस्त तक रिजर्व बैंक 45 टन से ज्यादा सोने की खरीद कर चुका है। सबसे ज्यादा खरीद जून के महीने में हुई है, जब आरबीआई ने 9 टन से ज्यादा सोना खरीदा था। हर महीने हुई आरबीआई की गोल्ड खरीद की वजह से ही भारत का आधिकारिक गोल्ड रिजर्व जापान से आगे पहुंचा है। रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्व के लिए गोल्ड की खरीद इसलिए बढ़ाई है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार में संतुलन बैठाया जा सके। रिजर्व बैंक का आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, और गोल्ड खरीद की वजह से इस विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी 9% के ऊपर पहुँच गई है। गोल्ड खरीद से रिजर्व बैंक को सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व को संतुलित बनाने में ही मदद नहीं मिलती है, बल्कि रिजर्व की वैल्यूएशन भी बढ़ती है। रिजर्व बैंक ने जनवरी से इस खरीद की शुरुआत की थी, और उससे पहले विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $2100 प्रति ऑन्स के नीचे हुआ करता था, और आज भाव $2700 के करीब पहुंच चुका है। बढ़ा हुआ भाव आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद कर रहा है। रिजर्व बैंक अपने रिजर्व के लिए गोल्ड की खरीद को अगर इसी तरह से जारी रखता है तो बहुत जल्द गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत स्विट्जरलैंड के बराबर या उससे आगे भी निकल सकता है, और इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा।